हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर हाई गया था 2666.75, लो गया था 2606, एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 2.04% एंड क्लोज हुआ 2653.90 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹6,23,558.03 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹6,19,940.03 करोड़, एंड पीई रेशियो है 68.93। इस कंपनी के ऊपर आज के डेट पे किसी भी तरीके का कुछ भी डेप्थ नहीं है। कंपनी बिल्कुल ही एक आपका डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। कंपनी के पास अभी कैश है ₹3,618 करोड़, एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.06। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹38.50, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.33% एंड आरओसी है 24.61%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 10.86% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 11.30%। ये जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 61.9%, एफआईआई का होल्डिंग है 13.3%, पब्लिक का होल्डिंग है 12.6% एंड डीआईआई का होल्डिंग है 12.2%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 61.9% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया, और इसका जो भी फिगर है पूरा करोड़ में है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा नेट सेल्स देख लेंगे। तो देखिए, सितंबर 2022 के क्वार्टर में नेट सेल्स हुआ है 14,751 करोड़, जो कि इसका जो पिछला लास्ट 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 3,377 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट आपका नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए, लास्ट क्वार्टर में मतलब सितंबर 2022 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है 2,616 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इस शेयर का सितंबर 2022 का जो Q2 का रिजल्ट निकला है वो आपका बहुत ही अच्छा निकला है। और एक चीज देखिए, एक कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा आपका रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और ये जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस कंपनी का पीटॉस की स्कोर है 7 out of 9। मतलब एक कंपनी आपका फाइनेंशियली एक आपका स्ट्रांग कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और ये जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे। तो देखिए, वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे, और मंथली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, एंड वहां पर जाकर इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहली चीज देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी देखिए आपका अपट्रेंड हो चुका है। एमएसीडी अभी भी आपका 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन एमएसीडी का ये जो दो लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में आपका क्रॉसओवर होने वाला है। मतलब एमएसीडी भी आपका पूरा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके,
तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया हो, तो पहला चीज देखिए इस जगह पे आपका है जून 2022 का थर्ड वीक, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए लगातार ऐसे ऊपर की तरफ भाग रहा है। एंड लास्ट वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी ऐसे आपका 100 डेज 50 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹2,653, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इस शेयर आपका ₹2,900 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।